वेस्टइंडीज से पहले T20 इंटरनेशनल की हार का हिसाब चुकता करने के लिए भारत की क्रिकेट टीम आज गुयाना में वेस्टइंडीज के सामने उतरने वाली है। यह मैच इस सीरीज के लिए जो कि 5 मैचों की है उस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी वेस्टइंडीज की टीम 1-0 से आगे है और अगर आज कुछ उलटफेर हो जाता है तो भारत के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तो आज भारत की क्या रणनीति होगी और भारत को किन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है और इसके अलावा भारत की प्लेइंग 11 में क्या कोई बदलाव होगा, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 इंटरनेशनल मैच आज गुयाना में खेला जाएगा और आपको बता दूं कि भारत के लिए यह मैच बेहद महत्वपूर्ण है। भारत पिछली हार का हिसाब जरूर चुकता करना चाहेगा। दूसरी तरफ जो स्पिरिट है वेस्टइंडीज की टीम का वो बहुत हाई है और वो चाहेगी वेस्टइंडीज की टीम की जो टेम्पो उसने पहले मैच में हासिल किया था उसे बरकरार रखे। तो किस टीम का पलड़ा रहेगा भारी और कौन मारेगा बाजी, इसी पर हमारी चर्चा है। तो हम आपको बताएं कि देखिए भारतीय टीम को जो कुछ चीजें ध्यान देने की है और अगर वो ठीक हो जाती हैं तो भारत जो है इस मैच को जीत सकता है। तो जो सबसे पहली चीज है वो है भारत की बैटिंग। अगर हम पहले T20 इंटरनेशनल की बात करें तो इंडियन बैटर्स ने आशानुरूप प्रदर्शन नहीं किया था, या आप ये कहिए कि उनकी जो एबिलिटी है योग्यता अनुसार बल्लेबाजी नहीं की थी। जिस टीम में ईशान किशन हो, शुभमन गिल हो, सूर्य कुमार यादव हो, हार्दिक पांड्या हो, वो टीम इस हालत में आए ये सोचना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जो बड़े नाम है वो सिर्फ नाम भर न रह जाए उसके प्रदर्शन में भी कन्वर्ट करें, यह बेहद जरूरी है। और यहां पर सूर्य कुमार यादव पर बड़ी जिम्मेदारी होगी, एक अच्छे स्टार्ट की जरूरत होगी, इसलिए ईशान किशन और शुभमन गिल के ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी होने जा रही है। तो देखिए ये एक सवाल तो है ही बैटिंग की, क्योंकि देखिए होता क्या है कि जब स्लो विकेट होता है और जो बिग हिटर्स होते हैं जो कि वेस्टइंडीज के टीम के पास है तो बाउंड्रीज लगाने में वो बाजी मार लेते हैं और इसका फायदा उनको मिलता है, जैसा कि पहले मैच में वेस्टइंडीज की टीम को मिला था। और वेस्टइंडीज की टीम की अगर हम बात करें तो पहले T20 इंटरनेशनल में पूरन और कप्तान रॉबमैन पावल ने ही बल्लेबाजी की थी ठीक से। अब समझिए कि अगर काइल मेयर्स, हिटमायर, किंग ये सभी चल जाएं तब तो भारत के लिए परेशानी और बढ़ जाएगी। इसलिए भारत को इस चीज पर ध्यान देने की जरूरत है और इंडियन बॉलर्स के लिए यह बड़ा चैलेंज है, खास करके जो युवा तेज गेंदबाज हैं जिनके पास उतना अनुभव नहीं है उनके लिए यह बड़ा चैलेंज है कि इन पावर हिटर्स को कैसे रोका जाए और इन्हें चौके और छक्के लगाने से रोकना सबसे पहला जो काम है वो गेंदबाजों का होना चाहिए। उन्हें आप दौड़ कर रन लेने दीजिए लेकिन बाउंड्री बॉल कम डालिए। फील्डिंग ठीक करने की जरूरत है क्योंकि फील्डिंग की चूक की सजा पहले T20 इंटरनेशनल में भारतीय टीम को भुगतनी पड़ी थी जब रॉबमैन पावल का कैच छूटा था और उन्होंने जो है एक अच्छी पारी खेल डाली थी। अगर वो पहले आउट हो जाते तो भारत वो मैच भी जीत सकता था। तो ये सारी चीजें हैं। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है जिससे भारत जो है आप कह सकते हैं कि देख सकता है कि ये जो वेस्टइंडीज की टीम है ना बहुत मजबूत है। इतनी मजबूत है क्योंकि इसके सारे खिलाड़ी ऑलमोस्ट जो फ्रेंचाइजी लीग होते हैं T20 के वो सभी जाकर अलग अलग देशों में खेलते हैं तो इन्हें T20 खेलने का अनुभव बहुत ज्यादा है। लेकिन इस टीम के साथ जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो ये है कि इस टीम में कंसिस्टेंसी का अभाव रहता है। आप देखेंगे कि वेस्टइंडीज की टीम सडनली एक बार किसी को हरा देती है लेकिन सडनली किसी से हार भी जाती है, तो वो जो कंसिस्टेंसी नहीं है ना वेस्टइंडीज की टीम में वो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। और यही टाइम होता है कि जो अपोनेंट होता है वो थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाए, अगर वो प्रेशर बढ़ाता है और वेस्टइंडीज को उस तरह से नहीं खेलने देता है जिस तरह से वेस्टइंडीज की टीम चाहती है तो वेस्टइंडीज को परेशानी
हो जाती है और यही काम इंडियन बॉलर्स को और बैटर्स को करना होगा। इंडियन बॉलर्स को बाउंड्रीज बॉल कम से कम डालनी होगी ताकि जो उसके पावर हिटर्स हैं वेस्ट इंडीज के, उनको जो है चौके और छक्के ना मिले तो फिर उन्हें दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। और दूसरी तरफ इंडियन बैटर्स के सामने जो एक्सपीरियंस्ड वेस्ट इंडियन बॉलिंग है उसका सामना करना बड़ी चुनौती होने जा रही है। नर्व की लड़ाई है कुल मिलाकर, तो जिस टीम की का जो नर्व है ना वो स्ट्रांग रहेगा, मजबूत रहेगा, जो टीम अपना नर्व बनाए रखेगी जीत उसी को मिलेगी। तो कुल मिलाकर एक बेहद रोचक मुकाबले की आज हम उम्मीद कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि भारत पहले T20 की हार का आज हिसाब चुकता करेगा। टीम इंडिया को हमारी ढेरों शुभकामनाएं। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।